दोस्तों पिछले 1 दिसंबर को एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी अन्नपूर्णी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अन्न की देवी। ये फिल्म 1 तारीख को आने वाली सैलरी की तरह कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मगर 29 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी समेत कई और रीजनल लैंग्वेजेस में OTT पर रिलीज होती है। फिल्म के OTT पर आते ही हंगामा मच जाता है, लोग इस फिल्म का कंटेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल्म में इतने सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स थे कि लोगों का दिमाग चकरा गया। एक सीन में फिल्म का मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्रीराम को मांसाहारी बता रहा है। एक सीन में हिंदू हीरोइन एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। एक सीन में एक मुस्लिम महिला हिंदू हीरोइन को बताती है कि बिरयानी बनाने से पहले वो नमाज पढ़ती है तो बिरयानी अच्छी बनती है। कोई सेंस है इस बात की? एक सीन में हिंदू हीरोइन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के लिए माँ बाप से बगावत कर देती है। अरे देवा! देखते ही देखते ये सारे सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग सवाल करने लगे कि भैया ये क्या है, बिरयानी बनाने का नमाज पढ़ने से क्या लेना देना? ये फूड यानी भोजन कब से हिंदू मुस्लिम हो गए? और नमाज पढ़ने से अगर मुस्लिम महिला बिरयानी अच्छा बनाती है तो तुमने हिंदू हीरोइन को सिर ढकवाकर बिरयानी बनाने से पहले नमाज क्यों पढ़वा दी? हेलो, ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? इसके उलट अगर कोई फिल्म बनाने से पहले ये दिखा देता कि मुस्लिम हीरोइन हलवा बनाने से पहले भगवान राम की पूजा करती है तो क्या लोग इसे हजम कर लेते? बताइए, क्या कोई लॉजिक है इस बात में? ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हैरानी ये है कि जब कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनती हैं तो लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। ये साबित करते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब यही लोग शिकायत करते हैं कि ऐसी फिल्में तो एक कौम को गलत नजर से दिखाने के लिए बनाई गई। तब ये लोग इस फैक्ट पर बात बिल्कुल नहीं करते कि क्या सचमुच कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए थे या नहीं, क्या वहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था या नहीं। ये लोग ऐसे एक भी फैक्ट पर बात नहीं करते। केरला फाइल्स में जिन 3-4 लड़कियों की जिंदगी पर फिल्म बनी है वो आज भी केरल में हैं। चाहे आप तो खुद उनसे जाकर बात कर सकते हैं और सच जान सकते हैं, मगर ये उनसे बात करेंगे ही नहीं। जिन लड़कों ने लव जिहाद करके उनका फायदा उठाया वो आज भी केरल में अपना काम धंधा कर रहे हैं, मगर इनमें से उन्हें किसी ने नहीं ढूंढा। तब भी इन लोगों ने सिर्फ इस बात पर हल्ला काट दिया कि ऐसा तो केरल में सिर्फ कुछ लड़कियों के साथ हुआ था, फिल्म के ट्रेलर में आंकड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाया गया। अरे चचा, अरे ओ चचा, मैं कहता हूँ तुम आंकड़े छोड़ो, अगर ऐसी 20 भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था तो क्या वो मसला नहीं था क्या? हाँ बताइए, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी, दोनों ही फिल्मों के रिलीज के टाइम पर एक सेक्शन ऐसा था जो इन फिल्मों को प्रोपोगंडा फिल्में बता रहा था, और फिल्म में बताए किसी भी कॉन्टेंट पर वो लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अन्नपूर्णी जैसी विशुद्ध 24 कैरेट खरी प्रोपोगंडा फिल्म बनती है तो यही लोग फेविकॉल की लस्सी बनाकर अपना मुंह सी लेते हैं। वरना आप ही बताइए, ऐसी कहानी का क्या मतलब है जिसमें फिल्म की हीरोइन को आप पुजारी की बेटी दिखाते हो, वो पुजारी की बेटी जिसके घर में कभी नॉनवेज नहीं बना और जाहिर तौर पर बनेगा भी क्यों। लेकिन कॉलेज पहुंचने पर अचानक ये लड़की को लगता है कि नहीं नहीं उसे तो शेफ बनना है, मगर वो नॉनवेज तो काट नहीं सकती। लड़की जब इस कंफ्यूजन में होती है तभी उसे इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड आ जाता है। मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे कन्विंस करता है कि अरे भगवान राम भी तो मांसाहारी थे तो तुम इतना क्यों हिचकिचा रही हो। अब देखिए, मेरे इस पर बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान शेफ बनना चाहता है या दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं उन्हें नॉनवेज बनाना ही पड़ता है। फिल्म की हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो शेफ बन सकती थी। फिल्म कोई सऊदी अरब में तो बन नहीं रही है या किसी ऐसे देश की कहानी तो है नहीं कि जहां पर लोग वेज नहीं खाते। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ वेज खाती है। ऐसे में उस लड़की की क्या मजबूरी हो गई है कि भैया मुझे शेफ बनना है तो नॉनवेज तो काटना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा। बताइए, चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया कि लड़की को नॉनवेज बनाना था, मगर इस बात को कन्विंस करवाने के लिए वहां एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की ही क्या जरूरत थी। बताइए, मुस्लिम बॉयफ्रेंड अगर दिखाया भी हो तो वो वाल्मीकि रामायण को कोट करके उसे कन्विंस कर रहा है। वाल्मीकि रामायण इतना सुनद। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, हद हो गई डेढ़ शाने पंती की। इस तरह तो कल को कोई इसके उलट फिल्म बना दे जहां पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदू हीरो मुस्लिम हीरोइन को किसी ऐसे बात के लिए कन्विंस करता है जो उसके फेथ के अगेंस्ट हो, और लड़की जब ना माने तो वो उसे उसी के मजहब पर ज्ञान देने लगे। वाह बेटे वाह। अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर, वही झूठ जो कुछ दिन पहले NCP के नेता जितेंद्र आवाड ने बोला था, और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के मार्फत फिर से फैलाया जा रहा है। और झूठ ये कि भगवान राम मांसाहारी थे। इसे झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यूं तो कई सारे तर्क हैं और कई सारे पॉइंट्स हैं। हम एक एक करके आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा जिससे ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये है कि वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता। हेलो, प्राचीन संस्कृत हिंदी शब्दकोश के मुताबिक यहां मांस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मांस यानी गोश्त,
दूसरा मछली का गोश्त और तीसरे का अर्थ होता है फल का गूदा। वेदों के जानकार ये कहते हैं कि जिस मांस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो फलों का गूदा ही है और कुछ भी नहीं। क्या समझे? हिंदी और संस्कृत के विद्वान नित्यानंद मिश्र जी बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया है कि भगवान राम मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा वेदों और भारतीय परंपरा के बड़े जानकार डॉक्टर आर रंगन की भी इस विषय पर राम इनसाइट्स इस नाम से किताब आई है। डॉक्टर रंगन आर्ग्यू करते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के 6 बार मांस खाने की बात है, तो वहां 20 ऐसे प्रसंग भी हैं जहां भगवान राम सिर्फ फल और कंदमूल खाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि सीता जी भी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते ही थे, तो भगवान राम भी खाते ही होंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि उस वक्त तो क्षत्रिय 1 से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की, इसलिए सिर्फ उनके क्षत्रिय होने की बात करके उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले भी प्रतिज्ञा ली थी कि इन 14 वर्षों में मैं निर्जन वन में रहूंगा और मुनियों की भांति बिना मांस खाए सिर्फ मधु मूल और फल पर जीवित रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतने तर्क किसी भी इंसान को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हकीकत आखिर है क्या। मगर ये देखकर हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु श्री राम के विशाल व्यक्तित्व से कोई सीख लेने के, उनके गुणों की चर्चा करके उसे जीवन में उतारने के, कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हवाई विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। बताइए, अभी तो हम फिल्म अन्नपूर्णी का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदी फिल्में तो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। ऐसी कितनी ही फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें विलेन को तिलकधारी दिखाया जाता है, अपराधी को मंदिर का पुजारी दिखाया जाता है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया कि लाला का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया है कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस के घाट पर मदद मांगती है और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म हो जाता है, वहां भी लोग एक मंत्र जाप कर रहे होते हैं। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की एक फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर्स उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा था। क्या बात है, कश्मीर को मुगलों ने खोजा। सच में यार, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि जिस वक्त राइटर ने ये बात लिखी, क्या उन्हें सच में ये नहीं पता था कि कश्मीर को किसने खोजा? और कुछ नहीं तो अगर राइटर ये भी सर्च कर लेता कि कश्मीर का नाम कश्मीर आखिर पड़ा कैसे, उसे तभी इसकी हकीकत पता लग जाती। अरे भाई, जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, जो सैकड़ों सालों तक कश्मीरी पंडितों की भूमि रही है, उसके लिए फिल्म का किरदार बड़ी बेशर्मी से कह रहा है या उससे कहलवाया जा रहा है कि इसे तो मुगलों ने खोजा। और इसी सीन में जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कश्मीर को तो मुगलों ने खोजा है, तो राखी का कैरेक्टर पलट कर बोलता है, मुगलों का तो जगह भी नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। समझ रहे हो ना? अब आप देख रहे किस तरह चीजें धीरे 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 जनता के मन में फीड की जाती। अब ये सब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो समझ में भी आता है, मगर फिल्म की आड़ में इस तरह का एजेंडा चलाना सच में शर्मनाक था। दोस्तों, हिंदू पुजारी का बलात्कारी होना, हिंदू विलेन का तिलकधारी होना, संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाले को जोकर बताकर पेश करना, मुगलों की शान बढ़ाने के लिए कश्मीर की खोज को जबरन उनसे जोड़ देना, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं था तो और क्या था, बताइए। और यहाँ एनिमल फिल्म में बॉबी देओल के कैरेक्टर को मुस्लिम दिखा देते हैं, तो इसमें कुछ लोगों को सांप्रदायिक साजिशें नजर आती है। हेलो, क्या बात है सर। मगर हैरानी की बात यह है कि आज सोशल मीडिया की इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, आम लोगों में अपने कल्चर को लेकर इतनी अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद, कुछ लोग एजेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। और ये देखकर और भी ज्यादा दुख होता है कि एक तरफ पूरा देश, पूरा समाज, देश का हर गली मोहल्ला राममय हो चुका है, लोग सिर्फ 2 महीने में दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक बातें करने में लगे हुए हैं। मगर जैसा कि कहते हैं ना कि सूरज पर थूकने से सूरज तो नहीं बुझता, मगर आपका मुंह जरूर गंदा हो जाता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं ऐसे लोगों के साथ जो लगातार ऐसी बातें करके अपना मुंह, अपनी जबान गंदी करवा रहे हैं। बाकी हम ऐसे लोगों की खबर बराबर लेते रहेंगे ताकि इन्हें ये पता रहे कि यूं ही झूठ बोलकर नहीं निकला जा सकता। इनके हर एक पाप का हिसाब किया जाएगा, इनके हर एक झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा हिसाब किताब अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर करके इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बाकी जल्द ही हम उन नेताओं का भी हिसाब करेंगे जिन्होंने अब ऑफिशियली प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या जाने से मना कर दिया है। इनके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी यहां पर लाएंगे। फिलहाल जाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को
जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक शब्द, कम से कम एक शब्द तो उन लोगों के लिए जरूर लिखिएगा जिनकी बात, जिनका प्रोपेगेंडा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।